अभी अभी हम खाना खाएंगे तो कोई भी प्लीज सो नहीं जाना तो अगर मैं 15-20 मिनट जो भी बात करूंगा अगर इस बातों से यहाँ पे आए हुए बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया था पहली बार मैं भी पीछे बैठा और सुना समझा डिसीजन लिया काम करा आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ राइट। तो जो भी आपके बाहर है जल्दी से बुला लीजिए। तो मेरा नाम सलीम है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं शमशाबाद एयरपोर्ट में गाड़ी चलाता था मेरू कैब में, फिर उसके बाद 4 साल के बाद मैं खुद का ट्रैवल्स का शुरू करा था। ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू करके मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था और अटैच व्हीकल्स मेरे पास चल रहे थे। जो मैं कैब ड्राइवर होता था वहाँ से धीरे से एक छोटी एक गाड़ी में खरीदा, उसके बाद धीरे धीरे करके ट्रैवल्स को बढ़ाते बढ़ाते मेरे पास 40 अटैच व्हीकल्स चलते थे। जो लोगों की गाड़ी होती थी वो हमारे ट्रैवल्स में अटैच करते थे, मैं उनको बिजनेस देता था और महीने का कुछ पैसा पे करते थे। ऐसे 40 गाड़ी मेरे पास चलते थे, 5 लोग बैठ के कॉल पर काम करते थे। जो कॉल सेंटर में एक छोटा सा ऑफिस ले लिया था मैं, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। महीने का 60-70 हज़ार रुपये मैं कमा रहा था, मतलब मेरे लिए 60-70 हज़ार बहुत बड़ी इनकम थी, क्योंकि मैं कभी भी ड्राइविंग करता हूँ तो 15-20 हज़ार के ऊपर इनकम नहीं आती है। तो उस दौरान फिर जैसे हैदराबाद में ओला कैब आया था, उस टाइम पे जितने भी मेरे पास गाड़ियां थे वो सब लोग ओला के पास चले गए। मेरे पास बिजनेस है, 90 होटल्स को मैं सर्विस दे रहा था, कुछ कंपनी से टाइप करा था। बिजनेस मेरे पास है मगर गाड़ियां नहीं है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं था। या ट्रैवल्स कंपनी बंद करना, या जाके कहीं गाड़ी चलाना, या मेरे को खुद के गाड़ियां खरीदना चाहिए। मैं वहां पे एक एक गाड़ी खरीदा 3-3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके, ऐसे एक साल के अंदर 10 गाड़ी खरीदा मैं, लगभग 24 लाख में बाहर से लोन लिया 3% इंटरेस्ट के साथ और बिजनेस चलाने लगा। बहुत अच्छा बिजनेस फिर सेट हो गया एक साल के अंदर, फिर 60-70-80 हज़ार तक मैं कमा रहा था। फिर उस दौरान ओला कैब वालों ने उनका जो रेट था, जो एयरपोर्ट ड्रॉप 8 आवर्स पैकेज जो भी होते थे, वो रेट कम्प्लीट किया, वो 50% डिस्काउंट कर चुके थे कस्टमर्स के लिए। जब मेरे पास गाड़ियां नहीं थी मैं गाड़ियां खरीदा, जब मेरे पास कस्टमर थे मगर अब कस्टमर भी चल चुके हैं। एक साल हो गया था जो गाड़ियों का ईएमआई था, एक एक गाड़ी का ईएमआई जो 10 गाड़ियों का ईएमआई था, जो पैसा इंटरेस्ट मिला था उसका 70,000 पर मंथ पे करना था, पूरा कंप्लीटली कस्टमर चले गए। 3 महीने देखा बिजनेस को और किसी भी तरीके से ग्रो करने के लिए और वो 3 महीने में भी 2,70,000 रुपया उसका उल्टा भी खर्चा करना पड़ा, क्योंकि गाड़ियों का ईएमआई रुकने वाला नहीं है, इंटरेस्ट रुकने वाला नहीं है, ड्राइवरों की सैलरी रुकने वाली नहीं है। मैं देखा बहुत कोशिश करा, अभी होगा नहीं, कोई ऑप्शन दिख रहा नहीं। फिर उस दौरान मेरे को ये सोचा, क्योंकि लोग तो पैसे देने वाले, जिसके पास मैं इंटरेस्ट लेके आया था वो अगर असल बाद में तो इंटरेस्ट के टाइम पे तो ऐसे तंग करते थे। एक टाइम ऐसा आया वो लोग मेरे को उल्टा सीधा गाड़ियां देना शुरू कर दिए थे, अगर तू पैसा नहीं देगा तो मैं केस करूंगा, वो करूंगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस मेरे साथ आए थे। उस टाइम पर मैं बहुत कुछ सोचा, क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरे कोई रिलेशन ऐसे नहीं है मेरे को सपोर्ट करने वाले। और मैं एक बार ऐसा सोचा कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे उनके माँ बाप के पास गए थे, रात में 10:30 ऐसा बज रहे थे, एक बंदा मेरे को रात में फोन करके बहुत सारे बातों कर दिया था, अगर तू नहीं देगा तो मैं दे लूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कोई ऑप्शन दिख रहा नहीं था। कोई भी बिजनेस अगर शुरू करना है तो पैसे भी होना है, हमें तो खाने खाने की परेशानी चल रही थी। फिर उस टाइम पर मेरे को ऐसा लगा नहीं, अभी बहुत हो गया, अभी हमारी यहाँ पे लाइफ हम खत्म करते हैं। अब मैं एक डिसीजन लिया, फिर रात में पवन पे अकेला सो रहा था, उसका फोन आने के बाद जब ऊपर देखा तो फैन घूम रहा था। मैं सोचा अभी 5 मिनट में मैं सुसाइड कर लूँ या फांसी डाल लूँ, और 4 मिनट बाद और 3 मिनट बाद और 2 मिनट ऐसे मैं काउंट कर रहा था। उसी टाइम जो मेरा लड़का हर दिन सुबह जब बाहर निकलता हूँ तो वो 5 रुपये पूछता था, पापा 5 रुपये दो, ऐसा पूछता था वो। जब उसकी शक्ल मेरे को याद आ गई तो मैं सोचा, मैं गाड़ी जब चलाता था तो बहुत सारे जब सिग्नल पे आते हैं बच्चे आते हैं दौड़ मारते हैं तो पैसे पूछते हैं, मैं सोचा अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे भी बच्चे वही हाल होगा, एक मिनट के लिए मैं
भगवान ने अल्लाह ताला ने मेरी बात सुन ली। जो जिनके पास मैं घर की गाड़ी चलाता था, जिनके पास मैं घर की गाड़ी चलाता था, उनसे फोन आया, सलीम आप एक बार फैमिली के साथ हमारे घर आओ, बहुत दिन हो गया, तो एक बार आपको एक अच्छा बिजनेस भी बताएंगे। तो मेरे को बिजनेस की बात समझ में नहीं आई, मैं चलो इतने साल बाद बुला रहे तो जाते आएंगे, उसके बाद वो प्लान बताए। फिर भी मैं पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि इधर से सुन रहा था इधर से छोड़ रहा था, क्योंकि हम इतना पैसा लगाने के बाद भी पैसा नहीं कमाते हैं। जब साबुन तेल में से 1 लाख आ सकता है, ये पॉजिटिव नहीं है, मेरे अंदर नेगेटिव था। फिर वो कुछ प्रोडक्ट दिए, नीम साबुन और नाइट क्रीम, वो प्रोडक्ट अच्छे लगने का हम वापस फोन भी नहीं करें, ये प्रोडक्ट अच्छा है, अगर अच्छा है बोले तो क्या करेंगे, वापस बिजनेस शुरू करने के लिए फिर हम हमारे पीछे बढ़ते हैं। मैं बताया नहीं था, मगर उसके बाद हमारे वाइफ ने प्रोडक्ट अच्छे लगने का उनके सहेली को बताया, वो उनके सहेली को बताया हम संगरेली से प्रोडक्ट लेके आए, बहुत अच्छा है, तो उनकी सहेली हमारे घर पर आना शुरू कर दिया, हमारे भी ला के दो, हमारे भी ला के दो। जब वो प्रोडक्ट आने, जब मेरा भी मेरे लिए भी प्रोडक्ट लिया, उसके बाद उनके लिए प्रोडक्ट लेने के लिए सिकंदरा वापस गया, ब्रांच में जाके देखने के बाद कुछ भरोसा हुआ, प्रोडक्ट भी यूज़ करा, अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमारे इधर भी सर के घर में मीटिंग होते थे, होम मीटिंग, 10-15 लोगों को वहाँ पे लेके जाना शुरू करा। फिर उसके कारण फिर गोपुरम मीटिंग आया था, गोपुरम में जब मेरे को इतना ज़बरदस्ती प्रमोट करे, उस टाइम पर तो मेरे पास खाने खाने के पैसे नहीं थे, मतलब एक एक साल तक मैं बच्चों को कोई फ्रूट नहीं दिला पाया था, घर जेब में पैसे नहीं होते थे, मगर ऐसी परेशानी में फिर मैं गोपुरम, चलो कैसे भी खर्चा तो हो गया, कैसे भी मेरे को तो दुनिया छोड़ के जाना ही है, खर्चे में खर्चा ये भी एक खर्चा होता है। फिर 10,000 रुपये खर्चा करके मैं दिल्ली गोपुरम गया था, दिल्ली मैपल एंड्रॉइड गोपुरम अटेंड करा, उसी दिन मैं सेकेंड सेशन अटेंड कराऊँ, सेकेंड डे जो 1 घंटे का सेशन अटेंड कराऊँ, मैं समझा भगवान मेरे
एक शूटिंग, मेरे को अंदर से एक तरीके की खुशी हो रही है, एक तरह की मतलब अयो बात, ये लोगों की जिंदगी खास बदल जाती है अगर डिसीजन लिए तो। लोग अभी भी देख रहे हैं क्यों तैयार नहीं है। जब हमारे गांव गया था, जो हमारे लाइफ स्टाइल वीडियो बनाने के लिए, वहां पे हमारा सबसे मतलब बहुत प्योर गरीब फैमिली से था। मैं आपको मैं रिकॉग्निशन में बताऊंगा। मेरे आस पास के लोग सब जितने गवर्नमेंट के घर थे सब बिल्डिंग्स बन गए, हमारा एक ही घर आज भी ऐसी है। वहां पर मैं नेक्स्ट ईयर मेरा ड्रीम बन ड्रीम हाउस बनाने वाला हूँ। लोग आके जैसा देख रहे, जो फिल्म एक्टर को देख रहे उस तरीके से देख रहे, बच्चे बड़े आके, तो आप सोचिए कहाँ से कहाँ तक हमारा लाइफ बदला है। बस एक डिसीजन के लिए, एक डिसीजन लेने की वजह से रातों रात तो जिंदगी नहीं बदलेगी, मगर 100% एक दिन जिंदगी बदलेगी अगर आप डिसीजन लेंगे तो। तो वो भी कैसे भूल सकते हैं।
एडमिशन के पहले एक्सेलेटर से लोगों का एडमिशन करने के लिए सोचा है और इसीलिए जिन एक्सेलेटर्स रेडी मतलब कंफर्म है यूनिट की ओर से और जिन्होंने अपने अप्लाई डीसीडी या डीयूसीडी को वो इन्फॉर्मेशन दी है उन लोगों का नाम मेरे पास है, जल्दी से स्क्रीन पे आ जाइए। यहाँ से आना है तीन सारे बनी होगा उनका अध्यक्ष उनका नाम है सोनल बेन डोलरिया। सब जानी पता बेन पाटड़िया मनीष बेन शुक्रिया राकेश बेन